दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है और वो माइग्रेन है। दोस्तों माइग्रेन एक ऐसा डायग्नोसिस है, ऐसी बीमारी है, जब सर में दर्द का कोई कारण नहीं पता चलता तो उसे माइग्रेन कह दिया जाता है। तो बेसिक चीज़ है कि आपको कारण ढूंढने की कोशिश करनी है। सर में दर्द दोस्तों बहुत सारे कारणों से होता है। अगर आपको नींद कम आती है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, थायराइड हाइपर है या हाइपो है, आपको अगर आँखों में चश्मा है, कानों में दिक्कत है, कानों में तुन आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोते हैं, बहुत कम सोते हैं, तो इन सब कारणों से सर में दर्द हो सकता है। और भी कई सारे कारण हैं जो बीमारियां हैं, मेडिकल बीमारियां भी हैं जिनसे सर में दर्द हो सकता है। तो आपको देखना होगा कि आपके केस में क्या कारण है, क्या है कि आपको सर में दर्द क्यों होता है। एक एक कारण को इस तरह से रूल आउट करते जाना होता है और फिर पैर सर का दर्द ठीक होता है। 40-40 सालों से लोग सर के दर्द लेके आते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसीलिए ठीक होते हैं, अगर जड़ देख के ठीक करी जाए तो। न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाया जा सकता है, एक्चुअल ब्रेन स्कैन, MRI, CT स्कैन करा के देखा जा सकता है, ब्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है, TB तो नहीं है, ये सब भी किया जा सकता है। लेकिन पहले बेसिक्स ठीक करिए, शायद उसी से आप ठीक हो जाओ। ओके।